हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं द लॉयल पिन के स्पेशल चैप्टर 1 पार्ट 2 की। पार्ट 1 में हमने देखा था कि एनला फिन तो लेडी पिन दोनों एक साथ काम कर रहे थे, और लेडी पिन एनला फिन को एक वार्निंग देती है, अगर उसने किशोर के साथ रिलेशन बनाया तो लेडी पिन उसे छोड़ेगी नहीं। अब आगे, इधर छुट्टी के दोपहर को लेडी पार्वती छोटी एलिन को लेकर पाइन पैलेस में आई, तभी अचानक छोटी एलिन की आवाज सुनाई दी। एलिन ने ऐसे बिहेव किया मानो एनला फिथ से कभी मिली ही नहीं हो। जब भी वह एनला फिथ को देखती तो एलिन उसकी तरफ दौड़ पड़ती, जैसे वे दोनों मैग्नेट हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हों। एनला फिथ पूछती है, कैसी हो बच्चा? एनला फिथ ने अपनी भतीजी के गोल सॉफ्ट सिर को रब करने के लिए हाथ उठाते हुए कहा। फिर एनला फिथ ने उस छोटी बच्ची को वेलकम करने के लिए अपनी बाहें उठाई, जो उसे हक करने की मांग करते हुए एनिल की तरफ दौड़ रही थी। छोटी एलिन कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे हग करें। एनला फिथ की गोद में आने के लिए छोटी एलिन ऊपर नीचे उछल रही थी। छोटी एलिन कहती है, क्या आप मुझे हग कर सकती हैं? छोटी एलिन की बात सुनकर एनला फिथ हंसते हुए कहती है, अब एलिन बहुत भारी हो गई है। एनला फिथ ने जानबूझकर ऐसा कहा। फाइनली लास्ट में एनला फिथ ने एलिन को गले से लगाया, फिर धीरे से लेडी पार्वती की तरफ चली गई। लेडी पार्वती कहती है, अगर थोड़ी देर हो जाती तो मैं शायद एलिन को नहीं संभाल पाती। उसने छोटी एलिन की शिकायत की। लेडी पार्वती कहती है, एलिन ने अभी खाना खाया था इसलिए वह थोड़ी भारी है। यह सुनकर एनला फिथ हंस पड़ी। एनला फिथ कहती है, कुछ ना खाने से ज्यादा खाना बेटर है। इसके बाद लेडी पार्वती कहती है, मैं आज आपको थोड़ा परेशान करने जा रही हूँ। अगर मैं हर दिन एलिन को आपसे मिलवाने नहीं लाती तो वह रोज रोती है। लेडी पार्वती की बात सुनकर एनला फिथ कहती है, अगर आप एलिन को यहाँ नहीं लाती हैं तो मुझे भी एलिन की बहुत याद आती है। यह सुनकर लेडी पार्वती को थोड़ा अच्छा फील हुआ। लेडी पार्वती कहती है, मुझे लेडी पिन से कुछ बात करनी है। इतना कहकर वह मुड़ी और लेडी पिन से कुछ बात करके वापिस पुराफा पैलेस में जाने के लिए कार में बैठी और वहां से चली गई। लेकिन छोटी एलिन अपनी माँ लेडी पार्वती के साथ नहीं गई। इसके बाद छोटी एलिन अपनी आंटी एनला फिथ से कहानी सुनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है। एलिन की रिक्वेस्ट सुनकर एनला फिथ ने उसे गले लगाया और उसे चिमनी के सामने वाले व्हाइट सोफे पर बिठाया और उससे कहानी के बारे में पूछा कि एलिन आज कौन सी कहानी सुनना चाहती है। छोटी एलिन जवाब देती है, एलिन आज कछुए और खरगोश की कहानी सुनना चाहती है। एनला फिथ ने हूं करके छोटी एलिन को टाइटली हक किया। एनला फिथ कहती है, तो एलिन को यह कहानी पसंद है? छोटी एलिन जवाब देती है, हाँ। इससे पहले एनला फिथ कुछ कह पाती, सोफे के सामने टेबल पर वही कॉमिक बुक रखी थी। लेडी पिन छोटी एलिन का मतलब अच्छे से समझती थी, क्योंकि वह हर दिन उसके साथ रहती थी, इसलिए उसने वह बुक वहाँ पहले ही रख रखी थी। इसके बाद एनला फिथ ने एक हाथ से एलिन को हक किया और दूसरे हाथ से उस मोटी स्टोरी बुक को खोला। जैसे ही एनला फिथ ने स्टोरी को पढ़ना शुरू किया, एलिन की छोटी आंखें चमकने लगी। एनला फिथ कहती है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। एनिल की बात सुनकर छोटी एलिन पूछती है, कछुआ धीरे धीरे चलता है? एलिन ने बुक में कछुए की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अपनी फिंगर उस पर रखी। उसके एक्सप्रेशन सीरियस थे, बिल्कुल आंटी पद्मिका की तरह। इसके बाद एनला फिथ ने स्टोरी को थोड़ा और आगे बढ़ाया और उसे बताया कि खरगोश तेज दौड़ता है। यह सुनने के बाद छोटी एलिन फिर से पूछती है, क्या खरगोश तेज दौड़ता है? धीरे धीरे स्टोरी आगे बढ़ती गई। स्टोरी में लोमड़ी को रेफरी बनने के लिए कहा, तभी छोटी एलिन कहती है, लोमड़ी बहुत चालाक होती हैं आंटी। एलिन ने सफेद लोमड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा। खरगोश और कछुए ने दौड़ना शुरू किया। एनिला फिथ स्टोरी को आगे सुनाती रही, वह लास्ट तक, जब खरगोश आगे निकलकर सो जाता है। छोटी एलिन कहती है, खरगोश बहुत सुस्त होते हैं। इतना कहकर एलिन जोर से हंसी और बुक में कंफ्यूज होकर खरगोश के चित्र को देखने लगी। एनला फिथ स्टोरी आगे बढ़ाती है, लेकिन जब कछुआ आगे निकल गया तो खरगोश बहुत तेज भागा, लेकिन उसने देखा कि कछुआ पहले ही रेस जीत चुका था। कछुआ लगातार हंस रहा था और खरगोश को टीज कर रहा था। तभी स्टोरी पूरी होने के बाद छोटी एलिन कहती है, धीमा कछुआ जीत गया मिसगुम, धीमा कछुआ जीत गया। एलिन की बात सुनकर एनला फिथ कहती है, अच्छा तो एलिन को पहले ही पता था। इतना कहकर एनला फिथ मुस्कुराई। तभी लेडी पिन कहती है, क्या आप रोज रोज स्टोरी सुनकर बोर नहीं होती? छोटी एलिन कहती है, नहीं।
अगर मिस बुम मुझे स्टोरी सुनाती है तो मैं कभी बोर नहीं होती। तभी एनला फिथ कहती है, हेलिन का माउथ सचमुच बहुत स्वीट है। लेडी पिन कहती है, हाँ बिल्कुल, उसकी आंटी एनिल की तरह स्वीट। लेडी पिन ने आंसर दिया, वह एनिल के लिए कुछ नाश्ता लेकर आई थी और उसे सोफे के सामने टेबल पर रख दिया। एनला फिथ कहती है, क्या ये सच है? एनिल फिथ ने एक्साइटेड होकर लेडी पिन को देखा और उसे एक नोटी स्माइल दिखाई। लेडी पिन कहती है, हाँ। इतना कहकर लेडी पिन ने नाराज होकर अपने लिप्स फोल्ड किए और वह छोटी एलिन के साइड में जाकर बैठ गई, उसके फेस पर किस किया। इससे भी ज्यादा अच्छी बात ये थी कि छोटी एलिन ने भी लेडी पिन के चिक्स पर किस किया और कहा, एलिन की आंटी पिन। एलिन के शब्द बिल्कुल भी दिखावटी नहीं थे। ये देखकर एनला फिथ हंसी और छोटी एलिन के गोल मटोल चिक्स पर किस किया। एनला फिथ कहती है, क्या मैं एलिन को आंटी पिन को किस करने के लिए कह सकती हूँ? एनला फिथ की बात सुनकर छोटी एलिन कहती है, ठीक है। इतना कहकर एलिन लेडी पिन के चिक्स पर किस करने के लिए दौड़ी। एनला फिथ लेडी पिन से कहती है, मैंने एलिन से आंटी पिन को किस करने के लिए कहा। लेडी पिन करती है। लेडी पिन का आंसर बहुत सिंपल था, लेकिन उसके चिक्स टमाटर की तरह रेड हो गए थे। रात के समय क्या एनिल आज थक गई है? छुट्टी के दिन का काम पूरा करने के बाद जब लेडी पिन और एनला फिथ बेड पर सो रहे थे तो लेडी पिन ने पूछा। लेडी पिन कहती है, ऐसा लगता है कि छुट्टी के दिन एनिल ने आज बहुत काम किया है ना? लेडी पिन की बात सुनकर एनला फिथ कहती है, चाहे मैं कितना भी काम करूं, लेकिन लेडी पिन से ज्यादा बिजी नहीं थी। इतना कहकर एनला फिथ ने लेडी पिन के फोरहेड पर किस किया। लेडी पिन कहती है, चलो एनिल सो जाओ। लेडी पिन कहती है, मुझे अभी भी छोटी एलिन की देखभाल करनी है। एनला फिथ कहती है, अगर हमारे रियल में बच्चे होते तो लेडी पिन और भी ज्यादा थकी हुई होती। एनला फिथ की बात सुनकर लेडी पिन कहती है, अगर हमारे सचमुच बच्चे होते तो मैं अनिल से दूरी बनाए रखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। अपनी बात खत्म करने के बाद लेडी पिन ने अनिल की वेस्ट को हग किया। एनला फिथ कहती है, मैं ऐसा नहीं चाहती। ये सुनकर लेडी पिन का हग और भी टाइट हो गया। लेडी पिन कहती है, हमें केवल छोटी एलिन की जरूरत है। लेडी पिन की बात सुनकर एनला फिथ कहती है, आप सही कह रही हैं लेडी पिन। एनला फिथ कहती है, अगर हमारे बच्चे होते तो क्या लेडी पिन के पास आधी रात में अनिल की मसाज करने का टाइम होता? एनला फिथ की बात सुनकर लेडी पिन सीरियस एक्सप्रेशन में कहती है, अगर अनिल मुझे ऐसे ही टीस करेगी तो मैं अनिल की मसाज नहीं करूंगी। एनला फिथ कहती है, अगर लेडी पिन अनिल की मसाज नहीं करती तो। इतना कहकर एनला फिथ ने अपना सिर झुकाया और लेडी पिन के फोरहेड पर रखा और कहा, तब शायद एनिल का दिल टूट जाएगा, टिच। ये सुनकर लेडी पिन ने अपने कंधे उचकाए जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। लेडी पिन कहती है, इससे शायद अब एनिल मुझे टीस करना बंद कर देगी। लेकिन इसके बाद जब लेडी पिन अपने और एनिल के क्लोथ्स को टेक ऑफ करने लगी तो एनिल ने पूरे पैशन के साथ लेडी पिन के लिप्स पर किस किया। उन दोनों ने अपने क्लोथ्स टेकन ऑफ कर दिए, जिससे उन दोनों की बॉडी नेक्ड थी और एक दूसरे से जॉइंट हो रही थी, जिससे धीरे धीरे प्यार की शुरुआत हुई। लेडी पिन पूछती है, एनिल क्या ये ठीक है? एनिला फिथ भी जवाब में कहती है, दिस इज गुड। लेकिन लेडी पिन यही नहीं रुकी, उसने अपने फिंगर से एनिल की बैक को रब और टीस करना शुरू कर दिया, फिर अपनी बॉडी आपस में जॉइंट की मानो जैसे वे एक होना चाहते हों। लेडी पिन के छोटे लिप्स एनिल के चेस्ट पर थे और उसकी फिंगर कंटिन्यू एनिल की बैक को रब कर रही थी। लेकिन जब लेडी पिन ने अपने फिंगर से एनिल को टीस करना शुरू किया तो वह केवल मौन कर सकती थी। एनिल केवल खुनपिन ही कह पाई। तभी लेडी पिन कहती है, मैं यही हूँ। लेडी पिन ने अपनी फिंगर से प्रोसेस करना शुरू किया, कभी फास्ट तो कभी स्लो, और एनला फिथ को बताया कि वह अनिल से कितना प्यार करती है। लेडी पिन कहती है, मैं अनिल से बहुत प्यार करती हूँ। जब अनिल ने लेडी पिन की ये बातें सुनी तो उसकी बॉडी हैप्पीनेस के साथ शेक कर रही थी। एनला फिथ के कंप्लीट करने के बाद एनिल ने लेडी पिन को टाइटली हग किया और उसके लिप्स पर किस किया। एनला फिथ ने जवाब में जो शब्द जिसे उसने अपने मन में कहा था, एनला फिथ कहती है, बस इतना ही काफी है इस तरह की छुट्टियों को परफेक्ट बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये था द लॉयल पिन का स्पेशल चैप्टर 1। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।